वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि शुरू हो गए हैं फेस्टिवल, तो मेरी किचन में आज बनने जा रहे हैं रसगुल्ले, और मैं अपने तरीके से बनाऊंगी जैसे मेरे घर हमेशा बनते हैं। चलो मैं बनाना शुरू करती हूँ। रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे पहले दूध से छेना बनाएंगे, और ये मैंने 2 लीटर गाय का दूध लिया है, और दूध को अच्छे से गर्म होने देंगे और दूध को बराबर चलाते रहेंगे जिससे कि इसके ऊपर मलाई ना पड़ जाए, इसलिए इसको बराबर चलाते रहेंगे। दूध पूरी तरह से गर्म हो गया है, दूध में छोटे छोटे से बबल्स बन रहे हैं। दूध को हम पूरी तरह से बॉयल नहीं करेंगे क्योंकि दूध अब बहुत तेज़ गर्म है, और इसको हम बॉयल नहीं करेंगे। इस स्टेज पर गैस को मैं बंद कर दूंगी और इसको 5 से 6 मिनट ठंडा होने दूंगी। गर्म दूध, याद रखें, गर्म दूध को नहीं फाड़ें, नहीं तो हमारा छेना अच्छा बनके तैयार नहीं होगा। 5 से 6 मिनट इसको ठंडा करें, उसके बाद दूध को फाड़ें तो छेना एकदम सॉफ्ट और अच्छा बनके तैयार होगा। दूध फाड़ने के लिए ये मैं व्हाइट सिरका ले रही हूँ, और ये मैं 2 चम्मच लूंगी सिरका। 2 चम्मच सिरका लिया है मैंने, और अगर दूध व्हाइट सिरका से फाड़ें तो इस सिरका में 2 गुना पानी डलेगा, और अगर नींबू के रस से फाड़ें तो जितना रस होगा उतना ही बराबर पानी डलेगा। तो मैं इसमें 2 गुना पानी डालूंगी। थोड़ा थोड़ा डालें, एक साथ ना डालें सिरका। देखिए दूध पूरी तरह फटके तैयार है, और देखिए हमारा छेना कितना सॉफ्ट बना है। अब हम छेना को छान लेंगे। मैंने ये बाउल लिया है और उस पर ये छन्नी लगा दूंगी, और ये कॉटन का साफ कपड़ा लिया है, इस तरह से कपड़ा रख दिया मैंने, और छेना को बड़े आराम से छान लेंगे। अब छेना के ऊपर ठंडा पानी डालेंगे। इसको इस तरह से पकड़ के, इसको इस तरह से दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल देंगे। इसको बांध देंगे और इसको यहाँ पे इस तरह से लटका देंगे, जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाएगा। जब तक हम इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। रसगुल्ला की चाशनी बनाने के लिए शक्कर का इस कप से मैं मेजरमेंट कर रही हूँ, और ये 4 कप शक्कर लूंगी मैं। इस चाशनी में शक्कर कम होती है, पानी ज्यादा, तो मेरी 4 कप शक्कर हो गई है। अब मैं इसमें 8 कप के करीब मैं पानी डालूंगी। अब हम चाशनी बनने देंगे, और इतना बड़ा बर्तन मैंने इसलिए लिया है कि ये रसगुल्ले अच्छे से फूल पाएंगे। जब तक रसगुल्लों के लिए चाशनी तैयार हो रही है तब मैं छेना की तरह चलती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट, बहुत अच्छा छेना बनके तैयार हुआ है, एकदम से सॉफ्ट। अब छेना को हम हाथ के इस पार्ट से अच्छे से मस लेंगे, जिससे कि जब तक इससे घी ना निकल आए और छेना हमारा एकदम से चिकना ना हो जाए। और इसको रगड़ने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, और इसको अब हम बराबर ही रगड़ते रहेंगे। छेना को रगड़ते रगड़ते 10 मिनट हो गए हैं, और देखिए ये कितना चिकना हो गया है, और उसने घी भी रिलीज कर दिया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालूंगी। कॉर्नफ्लोर डालने से हमारे छेना बहुत अच्छे बनके तैयार होंगे, एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी। अब हम इसको फिर से अच्छे से रगड़ेंगे। देखिए रसगुल्लों का डो बनके तैयार हो गया है, और हमेशा याद रखें कि रसगुल्ले का इस तरह का डो बनाएं कि जब हम रसगुल्ला बनाएं तो रसगुल्ले में किसी भी तरह का क्रैक नहीं होना चाहिए। देखिए ये कितना चिकना है और कितना सॉफ्ट है। अब मैं इसके रसगुल्ले बनाना शुरू करती हूँ। मैं इसके रसगुल्ले बनाऊंगी बड़े नरम हाथों से, और साइज आप अपने हिसाब से बनाएं, बड़े छोटे जैसे भी आपको पसंद हो। We'll be right back.
रखे, इसमें किसी भी तरह की क्रैक नहीं होना चाहिए रसगुल्ले में। और मैं इसी तरह से सारे बना लूंगी। इतने रसगुल्ले बनके तैयार हुए हैं, अब मैं चाशनी की तरफ चलती हूँ। देखिए चाशनी पूरी तरह से बॉयल होने लगी है। मैं इसमें हाफ चम्मच इलायची का पाउडर डाल दूंगी फ्लेवर के लिए। और एक बात याद रखें, रसगुल्ले हमेशा जब चाशनी खूब गर्म हो तभी डालें, और रसगुल्ले एक साथ ना डालें, एक एक करके डालें, नहीं तो चाशनी का टेम्परेचर बदल जाएगा। सारे रसगुल्ले डाल दिए हैं, और भगोना को इस तरह से कवर करें बिल्कुल भाप ना निकले इसमें। और इसको 20 मिनट तक बिल्कुल नहीं खोल के देखेंगे, 20 मिनट तक हम इसको बराबर इसी तरह से पकने देंगे, खोलेंगे बिल्कुल नहीं। अब चेक करेंगे रसगुल्लों को, देखिए एकदम परफेक्ट। और 20 मिनट हो गए हैं, तो देखिए हमारे रसगुल्ले। अब मैं चेक करूंगी, एक रसगुल्ला ले रही हूँ और मैं चेक करूंगी। ये बाउल में मैंने पानी लिया है और इसमें मैं एक ये रसगुल्ला डाल दूंगी। देखिए अगर रसगुल्ला इस तरह से नीचे बैठ जाए पानी में तो समझ जाइए कि हमारे रसगुल्ला पूरी तरह से कुक हो गए हैं। तो मैं अब गैस को कर दूंगी बंद, और देखिए सारे रसगुल्ले कितने अच्छे से फूल गए हैं, सारे के सारे। अब रसगुल्ले पूरी तरह से बनके तैयार हैं, तो मैं पिस्ता से गार्निश कर दूंगी। देखिए हमारे रसगुल्ले कितने परफेक्ट बनके तैयार हुए हैं, और कितने सॉफ्ट स्पंजी लग रहे हैं, और इनका कलर देखिए एकदम से व्हाइट है। एकदम परफेक्ट रसगुल्ले बनके तैयार हुए हैं। अगर हमारे रसगुल्ले की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।